भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों के बीच अब अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कब तक भारत में इस कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाया जा सकेगा। अनंत कुमार फाउंडेशन द्वारा आयोजित नेशनल फर्स्ट वेब सेमिनार में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी और डॉक्टर सी एन मंजुनाथ जैसे विशेषज्ञ इस बात पर संभवतः सहमत होंगे कि कुछ वक्त बाद ये भी अतीत में आए एक वायरस की तरह सिर्फ स्थानीय समस्या बनकर रह जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन वायरस ने हमें खास सीख दी है। इससे हमने सीखा कि अब कुछ नया होगा जो सामान्य होगा। हम सभी को अपनी जीवन शैली को लेकर ज्यादा सावधान और सजग रहना होगा। हर्षवर्धन ने इस साल के अंत तक कोरोना वायरस का टीका विकसित किए जाने की भी उम्मीद जताई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि दिवाली तक कोविड-19 महामारी को काफी हद तक नियंत्रण में लाने में हम सफल हो जाएंगे। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में संभवतः दिवाली तक हम कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को काफी हद तक नियंत्रित कर लेंगे। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के 35 लाख से ज्यादा मरीज हैं। इनमें से 60,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ भारत में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है, जो करीब 77% है।